अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से जो है ना हमारा ब्लॉग अभी सुबह से स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं जाता हूँ घर के लिए कुछ सामान लेने, इस मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ। ठंड भी बहुत है तो शायद मेरे हक में कुछ लगा है, नहीं लगा है साहब, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, तभी हम रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है भाई, अगर रास्ते में खड़ा हो गए तो फिर अच्छी नहीं लगती, तो सबसे पहले जो है ना मोटरसाइकिल में जो है ना पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद जो है ना कोई काम हो तो फिर उस काम के लिए जाएंगे। तो भाई भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालें, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है, 300 से ऊपर जो है ना उसका लीटर है अभी। तो अभी पेट्रोल डाला है भाई, पेट्रोल हो गया, अभी मैं अपनी मोटरसाइकिल में जो है ना ठीक कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह निकल जाएंगे इधर से। तो अभी इधर से अभी निकलने वाले हैं, तो कुछ सामान रखने थे, फिर जाएंगे दूसरे, कुछ खाएंगे पियेंगे। यार ये देखो छोटे से बच्चे हैं, इसके माँ जो है ना इसके लिए जो है ना घुंगड़ी आप लोग जानते होंगे, वो पकाते हैं, ये लेकर आते हैं इधर बाज़ार में बेचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग जो है ना भीख नहीं मानते, तो मैंने कहा फिर इससे जो है ना मैं घुंगड़ी कुछ खाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है कि अपनी मेहनत करते छोटी सी उम्र में, मतलब यार सलूट है इसको। तो मैंने कहा भी इसकी घुंगड़ी मैं खाता हूँ, कैसे है इसकी घुंगड़ी। तो माशाल्लाह इसने जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना तैयार किया है, तो अभी मैं खाता हूँ इसको। जब मैंने इसकी घुंगड़ी जो है ना टेस्ट कर दी, तो आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त बनाई थी उन लोगों ने, एक तरफ जो है ना सर्द भी थी और घुंगड़ी भी इतना अच्छी लगी कि मैंने जो है ना दो चार जो है ना प्लेट खाई। तो मैंने कहा भी मौका मिले खाते, फिर घर में क्या रोटी मुट्टी खाएंगे। तो फिर मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा खा ली घुंगड़ी, उसके बाद जो है ना कुछ मसले थे मोबाइल में, तो फिर मैं निकल चुका हूँ उधर दुकानदार के पास गया, वो दुकान ही छोड़ गया था, चला गया था। तो फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, जब मैं इंतज़ार कर रहा था तो फिर वो आखिरकार जो है ना वापस आ गए और कह रहे थे कि भाई क्या मसला है, मैंने मोबाइल दे दिया कि ये मसला है। तो उसने कहा थोड़ी देर सब्र करो अभी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं इंतज़ार कर रहा था ठीक होने का, जब मेरा मोबाइल ठीक हो गया तो फिर मैं उधर से रवाना हो गया, और फिर उसकी बाइक का मैंने शुक्रिया भी अदा कर दिया, फिर मेट मैंने पहन लिया, अभी जा रहा हूँ वापस। तो मोटरसाइकिल मैंने बाहर खड़ा कर दिए, तो चलते मोटरसाइकिल के पास, तो भाई से जाना हाथ मिलाते, खुदा हाफिज़ भाई, फिर चलते हैं मोटरसाइकिल के पास। तो फिर हम आ गए, अपने मोटरसाइकिल बाहर खड़े कर देते हमने, तभी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देते हैं और चलते हैं। तो सर्दी में यार मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर आखिरकार मैं घर पहुंच गया। तो फिर मैं क्या कर सकता था उधर, आज की ब्लॉग बस इतना ही थी, उम्मीद करो हमारी वीडियो पूरा देखा करो, अगर किसी को कोई एक्सपेरिमेंट हो तो हमें बताएं, हमें नए नए पेज चालू किया है ना, हमको पता नहीं है कि कैसा बनाते, धीरे धीरे जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।